NXT सुपर ट्यूसडे हो चुका है खत्म गाइस, और काफी कमाल की रेसलिंग आज हमें देखने को मिली। स्ट्रीट फाइट मैचेस, आयरन मैन मैचेस, बहुत कमाल का शो था। कौन बना नया NXT चैंपियन, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, और स्वागत है आपका आज के इस NXT के रिव्यू में। और काफी अच्छा शो रहा आज, मैं ओवरऑल कहना चाहूंगा। स्टार्ट होता है सीधा सीधा एक टैग टीम मैच से, जो कि एक सिक्स मैन टैग टीम मैच था गाइज। आइज़ेया स्वर्व स्कॉट और नए टैग टीम चैंपियंस ब्रिजांगो अगेंस्ट लेगार्डो डेल फैंटास्मो, और एक सिक्स मैन स्ट्रीट फाइट मैच था, यानी कि कोई रूल्स नहीं थे और कोई भी वेपन्स को यूज करा जा सकता है। और कितना कमाल का ये मैच था, मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था ये। शुरू से लेकर स्टार्ट तक बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स इसके अंदर हमें देखने को मिले। इनफैक्ट इंपीरियम ने भी इंटरफेयर करा था ताकि ब्रिजांगो को वो अटैक कर सकें, लेकिन ये चीज गाइस तब भी काम नहीं आई क्योंकि एंड में बेबी फेस टीम इस मैच को जीत गई। और एक कमाल का स्पॉट जो यहाँ पे हमें देखने को मिला वो ये था कि फंडांगो और आइज़ेया स्वर्व स्कॉट इंपीरियम को बीट करने के लिए एक फोर्कलिफ्ट ले आते हैं और उसके ऊपर से जो है सीधा रिंग में कूदते हैं, सेंटोन लगाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज थी। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि सेंटोस एस्कोबार के ऊपर लगाते हैं स्वर्व स्कॉट एक GML ड्राइवर, जो कि उनका फिनिशर है, और इस मैच को वो जीत जाते हैं अपनी टीम के लिए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे हमें देखने को मिला गाइस कि जो बेबी फेस टीम है वो जीती तो सही, लेकिन क्रूजरवेट चैंपियन को क्लीन पिन भी कर दिया गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अब आइज़ेया स्वर्व स्कॉट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी फॉर द क्रूजरवेट चैंपियनशिप। अगला मैच जो हमें देखने को मिला वो था एक सिंगल्स वुमेन्स मैच गाइस, और ये था कैंडिस लेरे और केसी कैटेंजारो के बीच में। और कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था क्योंकि बहुत जल्दी कैंडिस लेरे इस मैच को जीत गई। और मैच के बाद वो बात करती है किस तरीके से उनकी और टीगन नॉक्स की फ्रेंडशिप बिल्कुल खराब हो चुकी है, और वो इनवाइट करती है टीगन नॉक्स को डिनर टेबल पे, और शायद ये जो सेगमेंट होगी अगले हफ्ते हमें NXT पे देखने को मिल सकती है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि इनकी फ्रेंडशिप आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है या फिर इनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन गाइस अभी आज हमें इतना ही देखने को मिला। इसके बाद जो अगला मैच था वो था टिमोथी थैचर अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड, और ये मैच भी काफी अच्छा चल रहा था। हमें देखने को मिलता है कि ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं जब रेफरी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं और ब्रॉन्सन रीड पर अटैक कर देते हैं, और इसके बाद टिमोथी थैचर अपना फूजीवारा आर्मबार लगा के टैप आउट करा देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। क्लियरली यहां से भी पता लगता है गाइस कि ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड की एक नई फ्यूड स्टार्ट होने वाली है NXT में, और शायद नेक्स्ट वीक से ही वो हमें देखने को मिल जाएगी। और फाइनली जो मेन इवेंट था, ऑब्वियसली एक घंटे का मैच था, तो यहां पे आज हमें बहुत कम मैचेस देखने को मिले, लेकिन दिस वॉज फॉर द NXT चैंपियनशिप एक फेटल फोर वे आयरन मैन मैच, एडम कोल, फिन बैलर, टोमासो चांपा और जॉनी गार्गानो। गाइस क्या गजब का ये मैच था, मतलब शुरू से लेकर एंड तक इस मैच में इंटरेस्ट ये था कि कौन किस मोमेंट पे पिनफॉल कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन मैच वही जीतता है जिसकी सबसे ज्यादा पिनफॉल होती है। तो पहले 30 मिनट तक तो ये बंदे बस लड़ते ही रहे, और क्या कमाल की इन्होंने रेसलिंग करी, लेकिन कोई भी बंदा पिनफॉल नहीं ले पाया। तो मैच की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि सारे लोग बहुत क्लोज आ जाएंगे, सबको क्लोज नियर फॉल्स मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली में गाइस कोई पिन नहीं जीत पाएगा। और ये 0-0-0 पे था, अटका हुआ था मैच बिल्कुल आधे घंटे तक, और उसके बाद धीरे धीरे करके इन चारों ने अपनी एक एक पिनफॉल भी हासिल करी। सबसे पहले फिन बैलर करते हैं, उसके बाद एडम कोल, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टोमासो चांपा अपना फिनिशर लगाते हैं, लेकिन जॉनी गार्गानो चांपा को बाहर फेंक के उनके पिनफॉल यहां पे छीन लेते हैं काइंड ऑफ, लेकिन उसके बाद चांपा को अपनी पिनफॉल फाइनली मिल जाती है। तो ये 1-1 पे अटके होते हैं और सिर्फ एक मिनट बचा होता है गाइस मैच के अंदर, और फिन बैलर एक बार फिर से अपनी सेकंड पिनफॉल को काउंट करा देते हैं, लेकिन एट द एंड लिटरली 10 सेकंड बचे होते हैं, एडम कोल आके एक लास्ट शॉट लगाते हैं फिन बैलर के ऊपर, और फाइनल 3 सेकंड्स का ही यूज करके पिन कर देते हैं यहाँ पे, और उनको भी जो है एक दूसरी पिनफॉल मिल जाती है। तो जो मैच का स्कोर खत्म होता है वो था 2 फिन बैलर, 2 एडम कोल, 1 गार्गानो और 1 चांपा। तो क्योंकि ये मैच एडम कोल और फिन बैलर के बीच में ड्रॉ हो गया, तो कोई नया NXT चैंपियन हमें देखने को मिला नहीं एक घंटे के मैच के बावजूद भी। और यहाँ पे विलियम रीगल आके बात करते कि नेक्स्ट वीक एक मैच होगा जो कि बैलर अगेंस्ट कोल होने वाला है, और वो एक 1-fall ओनली एक नॉर्मल मैच होगा रिंग के अंदर, और जो वो मैच जीतेगा वो बन जाएगा नया NXT चैंपियन। तो इंटरेस्टिंग रही ये चीज काफी ज्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा था टोमासो चांपा शायद इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस, और एंडिंग में ये मैच काइंड ऑफ ड्रॉ में ही खत्म हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर इस मैच की क्वालिटी की मैं बात करूं तो आपको डेफिनेटली जाके पूरा चेकआउट करना चाहिए, मतलब बहुत सारी क्लोज मोमेंट्स थी जिसने इस मैच को अच्छा बनाया, और अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो शायद आपको पता नहीं लगेगा कि मैच आखिर में इतना अच्छा कैसे था और कहां कहां पे मोमेंट्स थी जो आप शायद हाइलाइट्स की वीडियोस में मिस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक 4 आउट ऑफ 5 या 4.5 आउट ऑफ 5 मैच था डेफिनेटली,
और मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर एक्चुअल रियल ऑडियंस होती है NXT के शो में यहाँ पे तो कितना हंगामा वो मचा देते। तो गाइज ये था NXT का रिव्यू, आज थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि कुछ खास शो में हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिली, एक घंटा पूरा एक मैच के लिए शेड्यूल था। लेकिन अगले हफ्ते फिर से NXT चैंपियनशिप का मैच होगा और आज शाम को भी आपके लिए न्यूज़ या फिर कुछ वीडियो आएगी डेफिनेटली, तो आप उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।